सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, क्या आपको एड्स ऑन रील का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपके फॉलोवर्स भी अच्छे हैं, उसके बाद भी आपको एड्स ऑन रील का ऑप्शन नहीं मिला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने फॉलोवर्स पे आपको एड्स ऑन रील का ऑप्शन मिलेगा, क्या करना पड़ेगा आपको एड्स ऑन रील्स के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपके 5,000-10,000 फॉलोवर्स भी हो चुके हैं, तो दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं कि फॉलोवर्स के बेस पर कभी भी एड्स ऑन रील्स आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात एकदम सच्ची है। अगर आपके 100 फॉलोवर्स भी है ना, 50 फॉलोवर्स भी है, या फिर 20 फॉलोवर्स भी है, तब भी आपको एड्स ऑन रील का ऑप्शन मिल सकता है। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एड्स ऑन रील्स का जो क्राइटेरिया है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। एड्स ऑन रील्स में फेसबुक आपको खुद इनवाइट करता है एड्स ऑन रील्स देने के लिए, चाहे वो बोनसेस देने के लिए आपको खुद इनवाइट करेगा, एड्स ऑन रील्स देने के लिए फेसबुक आपको खुद इनवाइट करेगा। तो यहाँ पे आपको फॉलोवर्स का क्राइटेरिया नहीं देखना पड़ता। अगर आपके 20-30 फॉलोवर्स भी है, तब भी आपको एड्स ऑन रील का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैसे मिलेगा आपको एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन, क्योंकि जब तक आप ऐसे वीडियोस डालते रहोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, फेसबुक को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उस एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करोगे, अब आपको सर्च बार में लिखना है फेसबुक और सर्च कर देना है। चेक करना है कि फेसबुक का कोई अपडेट आया है कि नहीं आया। फिलहाल फेसबुक का कोई अपडेट है नहीं, तो अब हम बैक चलते हैं। अब आपको क्या करना है, फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद अब आपको 3 लाइन वाली प्रोफाइल दिख रही होगी सबसे ऊपर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हेल्प एंड सपोर्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पे क्लिक करना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। अब आपको अपने फ़ोन को थोड़ा शेक करना है। फ़ोन शेक करते ही कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा रिपोर्ट प्रॉब्लम, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है। अब आपको इंक्लूड पे नहीं, आपको क्लिक करना है डोंट इंक्लूड पे। तो हम डोंट इंक्लूड पे क्लिक करते हैं। अब आपको जो अटैचमेंट यहाँ पहले से ही हो उसको आपको हटा देना है, तो ये अटैचमेंट हम लोग को हटानी है। हटाते ही अब आपको अपलोड फ्रॉम फ़ोन से कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लगाने हैं। तो पहला स्क्रीनशॉट आपको प्रोफाइल का लगाना है, फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस के इनसाइट्स का स्क्रीनशॉट लगाना है, जहाँ पर आपके व्यूज़, फॉलोवर्स कितने आ रहे हैं, एंगेजमेंट कितनी आ रही है, ठीक है, कंटेंट आपने कितने पब्लिश कर दिए, तो आपको ये वाला भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाना है। और तीसरा स्क्रीनशॉट जो लगेगा आपका, वो लगेगा जो आपको ऑप्शन नहीं खुला है, जैसे एड्स एंड रील्स का आपका नहीं खुला है, तो उसका आपको ये स्क्रीनशॉट लगाना है यहाँ पर। तो अब हम लास्ट में सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। कुछ इस प्रकार से आपको भी एप्लीकेशन लिख ले लिए, देख लो। तो ये आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपने जो आपका फेसबुक अकाउंट है उसको, मतलब उसकी लिंक कॉपी करके भी लगा सकते हो यहाँ पे। बस अब आपको क्या करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका काम पूरा हो गया। बस दोस्तों, इतना सा ही प्रोसेस था। दोस्तों, बस आपको इतना ही काम करना है, 15 से 20 दिन के अंदर आपको भी एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है फेसबुक को। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।